प्रधानमंत्री जी केवल मौन रहते हैं, इनको एजेंडा बनाना होता है। आज बताइए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शायद वो ये गिद्ध मीडिया कौन सी है, गिद्ध मीडिया ये नहीं चला रही है, बिल्किश बानो का मुद्दा गिद्ध मीडिया नहीं चला रही है, चाहे चित्रा त्रिपाठी हल्ला बोल आज जो महिला एंकर है, जो महिला कहते हैं महिला एंकर महिला का समर्थन नहीं कर रही है ना, खुल के डिबेट कर रही है, बिल्कुल वही का क्यों एजेंडा बनाया गया इस तरह, बिल्कुल एजेंडा बनाया गया। मैं कहता हूँ बिल्किश बानो के लिए स्मृति ईरानी कहाँ हो, कहीं बार में तो नहीं चली गई बेटी के साथ भी? हाँ, बार में चली गई क्या, बिस्की ले रही है साहब, बार में चली गई ये लोग, आज नई महिला दिखाई दे रही है, आज बिल्किश बानो देश की बेटी नहीं है, उसमें इनको हिंदू और मुसलमान दिखाई दे रहा है। अरे जाइए गुजरात जाके देखिए उस बेटे के परिवार को, क्या वो दशा बीती होगी जो ये लोग थू राजा देश में मुद्दा दबाना चाहे हैं। बिल्किश बानो का मुद्दा नहीं दबना चाहिए, इन दोषियों को जेल में भेजने की हमारी आवाज उठती रहनी चाहिए ताकि इनको सत्ता जेल में भेजे। आप जैसे ब्राह्मण जो है उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तिलक जैसे ब्राह्मण क्या होता बताइए आप, वो दरिंदे हैं, दरिंदे हैं, दरिंदे कौन समर्थन, जो समर्थन कर रहा है सबको जेल भेजो, वो देशद्रोही हैं, उनके साथ घर में बहन और बेटियां नहीं होंगी, वो इंसान नहीं होंगे, इंसानियत के नाम पे आपने ऐसे जालिमों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बेटी के लिए आज स्मृति ईरानी कहाँ है, बताइए कहाँ है स्मृति ईरानी, ये दिल मेला बोल रहा है, मैं खून खोल रहा है, बिल्किश बानो जैसी बेटी के साथ 15 सदस्यों के साथ हत्या हो जाती है, 3 साल की बच्ची को कूट कूट के मार दिया जाता है, और देश की जनता, शायद आज भारत सोया हुआ है, इसी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे हम, वही भारत की कल्पना करते थे हम, उसी भारत के एकता अखंडता और संपूर्णता की बात करते थे, क्या आज उसको तार तार कर दिया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री जब सवाल में जब जवाब कहते थे सारी मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, आप क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं बताइए, पत्रकार महोदय आप लोगों से भी जवाब है, सवाल करना लाजमी है आप लोगों का। कह रहे हैं कि गुजरात से हम आए हैं, लेकिन उसी गुजरात में उनको लोग मिठाइयां खिला रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, देखिए तिलक लगा हुआ है, देखिए तिलक तराजू और तलवार ये कहीं ना कहीं नफरत नहीं फैलाने का वो देता है, ये केवल प्यार और सामाजिक सौहार्द की बात करता है। चाहे जो लोग अब तिलक लगा के आप किसी भी धर्म के प्रति किसी भी आस्था के प्रति आप नफरत की भाषा बोले, मैं यहाँ से आपके मंच के माध्यम से किसी भी धार्मिक समुदाय को मैं अभेद्य टिप्पणी करूं तो ये क्या लाजमी है? कहीं ना कहीं ये जो जालिम लोग हैं जिनको मिठाइयां खिलाई गई, आखिर उसमें महिलाएं भी थी, मैं उन महिलाओं से पूछता हूँ, मैं उस विधायक से पूछता हूँ जिसने कहा कि संस्कारी लोग हैं, अरे मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन खून खौलता है जो हमारे समाज को गंदा करते हैं। आप बताइए 2002 की दंगा में वो क्या दिन थे, वो रात क्या था, वो मंजर क्या था, आपको याद है? उस मंजर को जब याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक ऐसी लालिमा, एक ऐसा रक्त भरा लाल गुजरात दिखेगा कि आपका खून खौलेगा। लेकिन इस खून की कसम, इस रक्त की कसम, जब तक बिल्किश बानो के दोषियों को जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकवा देता, तब तक ये श्रवण पांडे ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण की सौगंध खाता है, तब तक रुकेगा नहीं, ना झुकेगा।